हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। दीपास किचन में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नवरात्रि स्पेशल चना सब्जी और पूरी। ये हर घर में बनाई जाती है। आज हम एकदम टेस्टी और यूनिक स्टाइल में चना सब्जी और क्रिस्पी फूली फूली पूरी बनाएंगे। तो चलिए ये बढ़िया सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ मैंने ओवरनाइट चना भीगने के लिए रख दिया था। ये अच्छे से भीग गया है और मैंने आधा कटोरी चना भीगने के लिए डाल दिया था। अब हम लेंगे एक कुकर और उसमें डाल देंगे सारा चना। अब हम इसमें डालेंगे पानी। चने के ऊपर आ जाएगा, इतना हमें पानी डालना है। अब हम डालेंगे एक तेज पत्ता, दो लौंग, एक हरी इलायची। फिर हम डालेंगे 1 टीस्पून ग्रेटेड अदरक। ये सारी चीजें डालने से इसमें बहुत बढ़िया स्वाद आता है। अब हम डालेंगे 1 टीस्पून देसी घी और एक मीडियम साइज का प्याज, जिसे मैंने मोटा मोटा काट लिया है, और डाल दिया है स्वाद के अनुसार नमक। अब हमें 3 विसल आने तक इसे पकाना है। अब हम कुकर खोलेंगे। देखिए फ्रेंड, प्याज अच्छे से गल गई है। अब हम चना चेक करेंगे, तो चना भी अच्छे से पक गया है। अब हम थोड़ा सा इसे कलची से चला लेंगे, जिससे कि प्याज इसमें मिक्स हो जाए। अब हम लेंगे एक मिक्सी पॉट और उसमें डालेंगे 1 भुना हुआ प्याज और 3 कलियां लहसुन की। फिर हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा और हरा धनिया और इसे थोड़ा पीस लेंगे। देखिए फ्रेंड, यहाँ मैंने बिल्कुल भी पानी अभी नहीं डाला है। अब हमने डाल दिया है 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। फिर डालेंगे 1/2 टीस्पून काला नमक और 4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून कसूरी मेथी और 1 कलची हम इसमें डालेंगे उबला हुआ चना। अब सारी चीजों को अच्छे से बारीक पीस लेंगे। यहाँ देखिए फ्रेंड, मसाला अच्छे से पीस चुका है। अब हम कढ़ाई में डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून तेल। तेल गरम हो जाने के बाद अब हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा और 1/4 टीस्पून हींग और डाल देंगे पीसा हुआ सारा मसाला। फ्रेंड, हमने जो चना पीस कर डाला है, उससे सब्जी की टेस्ट और उसका गाढ़ापन बढ़ जाता है। अब हम थोड़ा सा पानी डालते हुए एक बार अच्छे से चलाएंगे और इसे ढककर 2 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। 2 मिनट हो गए हैं। देखिए फ्रेंड, अभी थोड़ा तेल छूटने लग गया है। इस टाइम पर हम डालेंगे 1 टमाटर की प्यूरी। अब इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर से हम ढककर 3 मिनट के लिए मसाला पकने के लिए रख देंगे। यहाँ 3 मिनट हो चुके हैं। देखिए फ्रेंड, तेल अच्छे से छूट गया है और मसाला भी अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे पका हुआ चना। अब एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक। तो हमें यह नमक थोड़ा कम ही डालना है, क्योंकि चना पकते समय और जो हमने मसाला पीसा था उसमें भी हमने काला नमक यूज किया था। अब हम एक बार ढकेंगे और इसे अच्छे से उबाल आने देंगे। देखिए फ्रेंड, सब्जी को अच्छे से उबाल आ गई है। यह हमारी चने की सब्जी तैयार हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे
हाफ टी स्पून अमचूर और 1 टीस्पून गरम मसाला। एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे ढककर साइड में रख देंगे। अब इस सब्जी का स्वाद दो गुना बढ़ाने के लिए हम यहाँ बनाएंगे एक तड़का। तो यहाँ मैंने तड़का पैन रख दिया है, उसमें डालेंगे 1 टीस्पून घी। अब हम डालेंगे 2 हरी मिर्च जिसे मैंने स्लिट लगा दी है और कुछ अदरक के जुलियंस। अब बस आधा मिनट तक फ्राई होने के बाद ये तड़का हम डाल देंगे हमारी चने की सब्जी में। इससे हमारी सब्जी बहुत टेस्टी और बढ़िया लगेंगी। फ्रेंड आप भी इसी तरह ये सब्जी एक बार जरूर बना कर देखिए, आपको भी बहुत पसंद आएंगी। अब हम करेंगे पूरी। तो यहाँ मैंने लिया है एक बाउल और उसमें डाल देंगे 1 कप इतना गेहूं का आटा। और पूरी अच्छे से क्रिस्पी होने के लिए हम डालेंगे 2 टेबलस्पून सूजी। फिर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून मैदा। फिर उसके बाद जाएगा स्वाद के अनुसार नमक। पूरी खस्ता होने के लिए अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल। तेल की जगह आप घी भी डाल सकते हैं। अब हम सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और तेल का जो मोयन है वो सारे आटे में रगड़ते हुए लगाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे पानी, लेकिन फ्रेंड हमें यहाँ पर ठंडे पानी का यूज नहीं करना है। यहाँ मैंने पानी को अच्छे से गर्म कर लिया है और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे को मिक्स करेंगे। पहले हम चम्मच की सहायता से आटे को मिक्स करेंगे क्योंकि पानी काफी गर्म है। अब हम इसमें और थोड़ा पानी डालेंगे। हमें यहाँ पर एकदम से पानी नहीं डालना है क्योंकि हम पूरी बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें सख्त आटा लगाना है। अब हम हाथों की सहायता से इसे मिलाएंगे और इसका डो बनाएंगे। देखिए फ्रेंड यहाँ अच्छे से आटा लगा लिया है, आप देख सकते हैं कितना हार्ड है। अब हम इसे ढककर 15 मिनट के लिए रख देंगे। 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इस पर डालेंगे 2-3 बूंद तेल और इसे अच्छे से मसल लेंगे। अब हम इसमें से निकालेंगे छोटे छोटे पेड़े। आपको कितनी छोटी या बड़ी पूरी चाहिए आप उसके हिसाब से पेड़े बनाइएगा। अब हम इसी तरह सारे पेड़े बना लेंगे। अब हम लेंगे एक चकला और बेलन और चकले पर डालेंगे 2-3 बूंद तेल की और इसे चिकना कर लेंगे। उसी तरह बेलन को भी तेल लगा लेंगे। अब हम लेंगे एक लोई और इसकी पूरी बेलेंगे। हमें पूरी थोड़ी पतली ही बेलनी है। देखिए फ्रेंड यहाँ मैंने एक पूरी बेल ली है। मैं आपको एक पूरी और बेल के दिखाती हूँ। फ्रेंड आप भी इसी तरह से पूरी जरूर बनाकर देखिए। ये इतनी टेस्टी और फुली फुली अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी बनती है। यहाँ हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हमने डाल दी है पूरी। देखिए फ्रेंड पूरी कितने अच्छे से फूल गई है। तेल हमें अच्छे से गर्म करके ही लेना है। अब हम पूरी को निकालेंगे। कितने बढ़िया से और फूली फूली हमारी पूरी बन गई है। अब मैं आपको एक और पूरी तलकर दिखाती हूँ। इसी प्रकार हम सारी पूरियां बना लेंगे। फ्रेंड आज की रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज मुझे कमेंट्स करकर जरूर बताइए और मेरी रेसिपीज को अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करिए।
हमारे घर अष्टमी के दिन पूरी, चने की सब्जी, खीर और उड़द दाल के वड़े बनाए जाते हैं। बहुत से घरों में हलवा भी बनाते हैं। मैंने रबड़ी खीर की रेसिपी आपके साथ शेयर की है और कुछ ही दिनों पहले वड़े की रेसिपी भी अपलोड कर दी है। मैं दोनों भी रेसिपीज की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप उसे एक बार जरूर देखिएगा। अब हम करेंगे सर्व। और फ्रेंड, अभी तक मेरे चैनल को यानी कि दीपास किचन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि आने वाली हर एक रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। देखिए, यहाँ हमारी फूली फूली क्रिस्पी पुरिया और टेस्टी चने की सब्जी तैयार है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय फ्रेंड्स।